बच्चों, जैसा कि आपने पिछले व्याख्यान में पढ़ा, आर्थिक नियोजन, नियोजन का अर्थ एवं योजना आयोग के बारे में आपने पढ़ा। अब हम आज पढ़ेंगे कि भारतीय नियोजन की विशेषताएं क्या है। मैंने आपकी यहाँ पे भारतीय नियोजन की विशेषताओं को एक सर्किल के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि जैसे कि इसकी विशेषताओं को हमने यहाँ पर चार भागों में बांट दिया है, निदेशात्मक योजना, भौतिक नियोजन, व्यापक नियोजन और सामाजिक नियोजन। तो पहला है आपके निदेशात्मक नियोजन। इसमें यह है कि ये जो निदेशात्मक नियोजन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए से भारतीय नियोजन निजी क्षेत्र में निदेशात्मक भूमिका निभाता है। सार्वजनिक क्षेत्र पर सीधा सरकारी नियंत्रण है किंतु अनेक सहकारी अथवा स्वायत्त शासी संस्थाओं के मामले में भी निदेशात्मक भूमिका रहती है। भारतीय योजनाएं अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित करती है जिन पर सरकार की सीधा नियंत्रण नहीं है। उदाहरण के लिए संपूर्ण कृषि क्षेत्र निजी स्वामित्व में है किंतु योजनाओं के अंदर सरकार लक्ष्य निर्धारित करती है। कृषि क्षेत्रों को निवेशों के साथ साथ आर्थिक समर्थन भी योजना आयोग के माध्यम से सरकार उपलब्ध करवाती है। कृषि क्षेत्र में अनेक योजनाओं का निर्माण करती है सरकार। अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों, उर्वरकों, कीटनाशक रसायनों की आदि की व्यवस्था करती है। निजी क्षेत्र के औद्योगिक और व्यापारिक कार्यों को आर्थिक सहयोग सरकारी स्तर पर नहीं होता एवं निजी क्षेत्र में इसका कार्य निदेशात्मक नियोजन ही है। अब दूसरा है इसकी जो नियोजन की विशेषता है वो है व्यापक नियोजन। समृद्ध आर्थिक सामाजिक नियोजन का अंग है। भारतीय नियोजन की एक प्रमुख विशेषता इसकी व्यापकता है। अनेक विकसित देशों में आंशिक नियोजन की व्यवस्था पाई जाती है, वहाँ संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र नियोजन का अंग नहीं होता। कुछ क्षेत्र विशेष तक नियोजन सीमित रहते हैं। भारतीय नियोजन अधिक व्यापक है, इसके अंतर्गत सभी आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ सामाजिक नियोजन भी सम्मिलित है। जनसंख्या, जनसुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि व्यापक नियोजन के अंग ही है। भारतीय नियोजन काफी सीमा तक समाजवादी देशों की व्यवस्था से मेल खाता है। 1990 की एक नई आर्थिक नीति के पश्चात इसमें कुछ परिवर्तन आने लगे हैं। अब जो तीसरा है वो है यहाँ पर भौतिक नियोजन। भौतिक नियोजन को मोटे तौर पर दो श्रेणी क्रमश में बांटा गया है। पहला भौतिक नियोजन और दूसरा है वित्तीय नियोजन के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। भौतिक नियोजन भारतीय नियोजन की प्रमुख विशेषता नहीं है। इसके अंतर्गत भौतिक संसाधनों की उपस्थिति का आकलन कर भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए से योजनाओं का प्रारूप तैयार होता है। वित्तीय तत्व इसमें गौण नहीं है बल्कि योजनाओं का प्रारूप तैयार करने में वित्तीय पक्ष पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। चौथा है जो भारतीय नियोजन की विशेषता है उसमें आता है सामाजिक नियोजन। सभी आर्थिक क्रियाएं समाज में राष्ट्र को केंद्र में रखकर चलती है। जैसा कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में ही उसका संपूर्ण विकास होता है। समाज में परिवार है और परिवार उसकी आधारशिला है। तो जो सामाजिक नियोजन यहाँ पे बताया गया है तो इसमें ये कहा कि जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो हमारे राष्ट्र और समाज के को केंद्र में रखकर ही चलती है। भारतीय नियोजन शुद्ध रूप से आर्थिक स्वरूप का नहीं है, इसमें सामाजिक तत्वों का समान महत्व दिया गया है। समाज के पिछड़े या दलित वर्गों के उत्थान की योजना इसका आवश्यक अंग रही है। जैसा कि वर्तमान स्थिति में भी यह है कि सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं पिछड़े व दलित वर्गों के लिए और अन्य वर्गों के लिए भी चलाई जा रही है। गरीबी हटाने में भारी आर्थिक असमानताओं को मिटाने के प्रयास भारतीय नियोजन के प्रमुख बिंदु रहे हैं। शिक्षा में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा अर्थात शिक्षा के सभी क्षेत्र भारतीय नियोजन के उल्लेखनीय विचार बिंदु रहे हैं। कुल मिलाकर सामाजिक उत्थान में सामाजिक कल्याण की भावना भारतीय नियोजन की आत्मा रही है। यहाँ पर हमारे भारतीय नियोजन की विशेषताएं समाप्त होती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहला है निदेशात्मक नियोजन,
नियोजन, दूसरा है व्यापक नियोजन, और तीसरा है जो आपका भौतिक नियोजन, और चौथा है सामरिक। इसका जो मुख्य रूप से मैं आपको सरल शब्दों में समझाना चाहूँ तो इनका जो मुख्य सारांश यह है कि ये जो नियोजन है, इस नियोजन में जो निर्देशात्मक है, जो व्यापक है यानी ये विस्तृत है, और इसका भौतिक नियोजन है यानी कि ये दो भागों में है, एक तो वित्तीय है और एक भौतिक है, और चौथा जो सामाजिक नियोजन है यानी समाज में जो नियोजन बनाया गया है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो जिसके बारे में सोचा गया है वो सामाजिक नियोजन में आके यहाँ पर इसका ठहराव है। और नेक्स्ट यहाँ पर है आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, यानी आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या है। तो पहले भी मैंने आपको पिछले व्याख्यान में भी यही बताया कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब स्वतंत्र होते ही भारत के समक्ष अनेक समस्याएं खड़ी हो गई थी। क्यों हो गई थी? इसका कारण मैं आपको पिछले व्याख्यान में बता चुकी हूँ कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत का निष्कासन किया था, जिसके कारण हमारे सामने बेरोजगारी एक मूल रूप से समस्या उभरी थी। और इसके लिए हमने यहाँ पर भारतीय जो नियोजन व्यवस्था और पंचवर्षीय योजना, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि किस प्रकार भारत का आर्थिक विकास किया जाए, किस प्रकार भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्र भारत का स्वरूप कैसा हो, इसका निर्धारण नियोजन के अंतर्गत किया गया है। भारतीय नियोजन के उद्देश्य पिछले 5 दशक की पंचवर्षीय योजनाओं के योजना दस्तावेज में स्पष्ट रूप से हुए हैं। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ से इसके उद्देश्य सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक नंबर का प्रश्न बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई। तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई, और जहाँ प्रारंभ की योजना में भारी उद्योगों के विकास में जोर दिया गया, वहीं बाद की योजनाओं में आत्मनिर्भरता और गरीबी निवारण कार्यक्रम पर अधिक जोर दिया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य, मैं पहले भी सरल स्पष्ट शब्दों में आपको समझा चुकी हूँ कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इसका भारत का आर्थिक विकास कैसा किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे इसको आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो पहला जो उद्देश्य है इसका तीव्र आर्थिक विकास, किस प्रकार से हम तीव्र आर्थिक विकास कर सकें। तो आर्थिक नियोजन का बुनियादी उद्देश्य आर्थिक विकास की उस दर सुनिश्चित करना जिसका आंकलन वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के आधार पर किया जाता है। ये तभी संभव है जब वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक हो। अतः आर्थिक विकास को केंद्र में रखकर नियोजित अर्थव्यवस्था की संरचना हुई। तीव्र आर्थिक विकास हासिल करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा कृषि, उद्योग, यातायात व परिवहन एवं संचार में अनेक योजनाएं बनी गई। तीव्र आर्थिक विकास से तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि इसके साथ गरीबी दूर हो, सामाजिक आर्थिक असमानताएं घटे और रोजगार के साधनों का विकास हो। यहाँ योजना की सफलता और असफलता का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि आर्थिक विकास की दर क्या है। अगर स्वतंत्रता के पश्चात विश्व के अन्य देशों की बराबरी में खड़े होने के लिए आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना आवश्यक हो गया। दूसरा जो इसका उद्देश्य था वो है आत्मनिर्भरता। स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आवश्यक था। भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी इसे खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। बुनियादी उद्योगों का विकास न होने के कारण अधिकतर मशीनों और अभियांत्रिक वस्तुओं, परिवहन व संचार उपकरणों, विद्युत संयंत्र, इस्पात, सीमेंट इत्यादि वस्तुओं का विदेशों से आयात करना पड़ता था। तीसरी निर्भरता पूंजी व वित्त संबंधी थी, इसकी पूर्ति विदेशी ऋणों के माध्यम से संभव थी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भारत की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। अतः भारतीय नियोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था आत्मनिर्भरता अर्जित करना।
प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं के भारी विदेशी सहायता पर निर्भर होने के कारण योजनाओं की कार्यान्वयन में अनिश्चितता व्यापक हो गई। भारतीय योजनाओं में विदेशी हस्तक्षेप भी एक अड़चन सिद्ध हुई। तीसरा जो इसका उद्देश्य है वह गरीबी एवं बेरोजगारी का उन्मूलन। गरीबी और बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था की भयानक समस्या है और इसका जड़ से खत्म होना असंभव है। स्वतंत्रता के पश्चात तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या नियोजन के समक्ष एक बड़ी समस्या रही। किस प्रकार देश के प्रत्येक नागरिक को भरण पोषण की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। श्रमिक शक्ति की संख्या दिनों-दिन बढ़ती रही और उसके साथ रोजगार के साथ जोड़ पाना संभव नहीं हो पा रहा। गरीबी उन्मूलन और रोजगार बढ़ाने में अनेक कार्यक्रम चलाए गए किंतु अभी तक वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। चौथा जो इसका उद्देश्य है आर्थिक असमानताओं में कमी। हालांकि इसे पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया गया और बार बार सरकार की तरफ से कोशिश भी की गई परंतु अभी भी इसकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। समाजवादी समाज की स्थापना पर नियोजन के प्रारंभिक वर्षों में विशेष बल दिया गया। गरीबी हटाने का अभियान काफी सीमा तक आर्थिक संसाधनों के उचित वितरण पर निर्भर करता है। इस उद्देश्य में उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल सकी। पांचवा जो इसका उद्देश्य है वो है संतुलित प्रादेशिक विकास। सभी प्रांतों अथवा राज्यों में संतुलित विकास करना भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था का आवश्यक उद्देश्य रहा है। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत असमान विकास के कारण विभिन्न प्रांतों में भारी असमानता व्याप्त थी। कुछ राज्यों की तुलना में अनेक राज्य आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ेपन की स्थिति से चले आ रहे थे। छठा जो इसका उद्देश्य है वो आधुनिकरण है। भारत न केवल आर्थिक बल्कि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ेपन की स्थिति में था। ये बात स्वतंत्रता के पश्चात से ही जागरूक भारतीयों को खल रही थी। ये पिछड़ापन भारत में अंग्रेजी राज को देह माना जाता है। अतः नियोजित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में आधुनिकरण करना है। ये आधुनिकरण तभी संभव था जब विश्व के अन्य देशों की तुलना में आर्थिक विकास अर्जित किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इसका उद्देश्य है वो है रोजगार के एक अवसरों में वृद्धि। भारत में नियोजित विकास का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार पैदा करना भी रहा है। रोजगार के अवसरों में निरंतर वृद्धि तो हुई है किंतु उसका अनुपात जनसंख्या और श्रम शक्ति के विकास की तुलना में काफी कम रहा है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति संतुलित होती जा रही है। गरीबी और बेरोजगारी निवारण तभी संभव है जब रोजगार के अवसरों में निरंतर वृद्धि हो। आठवां जो इसका उद्देश्य है वो स्थिरता है। आर्थिक दबाव के अंतर्गत सबसे बड़ी समस्या कीमतों में वृद्धि को लेकर रही है। आर्थिक विकास की दर तेज करने के साथ साथ स्थिरता को भी नियोजन का उद्देश्य बनाया गया। अतः कीमतों में स्थिरता लाने का प्रयास प्रत्येक योजना का अंग बन गया। अतः तीव्र आर्थिक विकास के लिए कीमतों में स्थिरता को आवश्यक माना गया। भारतीय नियोजन का स्वरूप दुनिया के सभी देशों से भिन्न दिखाई देता है जिसका कारण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे यहाँ पर दोनों ही जो व्यवस्था है समाजवादी व पूंजीवादी व्यवस्थाओं का मिश्रण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सैद्धांतिक तौर पर भारतीय नियोजन सामाजिक न्याय और समाजवादी व्यवस्था के विकास पर जोर देता है। क्षेत्रीय व सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन रोजगार के अवसरों में वृद्धि इत्यादि तत्वों को नियोजन के उद्देश्य से सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर हमने आज पढ़ा आज के व्याख्यान में कि भारतीय नियोजन की विशेषता क्या रही और दूसरा था कि इसकी जो उद्देश्य थे आर्थिक नियोजन के वो क्या कह रहे। मैंने आपको यहाँ पे एक सर्किल के माध्यम से विशेषताएं बताई और जो इसके उद्देश्य है मैं इसको आपको यहाँ पे ये बताऊं कि इसके उद्देश्य को हम एक सूत्र के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला है तीव्र आर्थिक विकास, तो मैंने यहाँ का आर्थिक का ई ले लिया। फिर मैं इसको
जो दूसरा है इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता, तो मैंने इसका ए ले लिया आत्मनिर्भरता। तीसरा है गरीबी में बेरोजगारी का उन्मूलन, तो मैंने यहाँ पर गरीबी का ई ले लिया यानी पॉवर्टी। और आर्थिक असमानताओं में कमी, असमानताएं जो है यहाँ पर यानी कि जो डिफरेंस है, तो मैंने इसका डी ले लिया। संतुलित और प्रादेशिक विकास यानी इसका मैंने डेवलपमेंट ले लिया, यानी मैं इसको विकास से भी हिंदी से करूंगी। और छठा है आधुनिकरण, तो मैंने इसको मॉडर्न करण से ले लिया यानी मॉडर्न। और सातवां है रोजगार के एक अवसरों में वृद्धि, तो मैंने यहाँ पर रोजगार को हिंदी से यहाँ लिया आर लिया है। और आठवां है जो वो है स्थिरता यानी कि ठहराव यानी स्टे, यानी मैंने इसको ऐसे। आप इसको सूत्र के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, यानी कि जो पहला है वो है स्थिर आर्थिक विकास यानी ई, फिर दूसरा है आत्मनिर्भरता यानी ए, तीसरा है गरीबी और बेरोजगारी का अनुबल, तो मैंने यहाँ पर पी, और आर्थिक असमानताओं में कमी है तो मैंने इसको डी से ले लिया। और संतुलित प्रादेशिक व्यवस्था है तो मैंने इसको पी से ले लिया। फिर यहाँ पर आधुनिकरण है तो मैंने इसको मॉडर्न, आप उसका कुछ भी अंग्रेजी वर्ड जो आपको समझ में आए वो आप इससे इंगित कर सकते हो सूत्र के माध्यम से। रोजगार के एक अवसर तो मैंने इसको आर्ट दिया, और स्थिरता को मैंने अपनी भाषा में इसको स्टेबल, इसके माध्यम से भी आप इसको याद कर सकते हो, और ऐसे ही आप इसकी विशेषताओं को भी एक सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हो। धन्यवाद।